वेलकम टू स्टडी कार्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपसे आप स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो सेशन आपका अलजेब्रा का है। इससे पहले आपको पार्ट वन और पार्ट टू मिल चुके हैं जिनमें मैंने आपके अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाए थे, उन्हीं के बेसिस पर आज मैंने आपके लिए टोटल क्वेश्चन 10 हैं जो आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें जल्द से जल्द, क्योंकि हम भी आपके लिए और मेहनत करें ताकि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। देखिए, हम इन क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। एक तो आपका ओरली मैं क्वेश्चन आपको करके देखूंगा, दूसरा मैं आपको एक पूरी लॉन्ग टर्म मेथड से करके दिखाऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे चीजें बदली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है, यदि 3x plus 1 upon 3x is equal to 8 है तो 9x square plus 1 upon 9x square की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला पार्ट 3x है और ये अपॉन में 3x यानी कि दोनों सेम हो तो आपको क्या करना है, अगर स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है, देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर आएगा। 1 upon 3x का करेंगे तो 1 upon 9x स्क्वायर आएगा। तो इससे क्या करना, आपको जो इस गल्टू में वैल्यू दे रखी है, देखिए 8 दे रखी है तो 8 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 64 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 62 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका 62 होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। लेकिन एक्चुअल में होगा कैसे ये, अगर 3x था इसकी जगह आपको 5x और 5x भी ले सकता है, तो फिर आपसे क्या पूछ लेगा, 25x² plus 1 upon 25x² इस तरीके से। तो आप करेंगे कैसे, एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, हिट कैसे करेगा क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे करेंगे आप, ठीक है, उस मेथड को हमें समझना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3x plus 1 upon 3x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, बार-बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, तो a plus b के होल स्क्वायर से अगर मैं इसको फॉर्मूला ओपन करूंगा, तो पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि जो पार्ट वन का था अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था उसमें a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, यहां पे मैंने तब भी आपको बताया था कि वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a और b की फॉर्म में मिले, आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो देखिए, यहां पे आपका एक अपॉन में वैल्यू है और एक क्या है आपकी, सिंपल है, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट में कुछ वैल्यू भी दी हुई है। तो a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a square plus b square plus 2ab होता है। ठीक है, तो a को हमें लेट करना क्या 3x और b को करना 1 upon 3x। तो देखिए, जब हम करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे 9x स्क्वायर आएगा plus 1 upon 9x स्क्वायर आएगा और plus 2ab यानी कि मल्टीप्लाई में 3x और मल्टीप्लाई में 1 upon 3x और इसका टू क्या आ जाएगा 64, 3x से 3x कट जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 9x स्क्वायर plus 1 upon 9x स्क्वायर इसका टू 62, तो यहाँ पे प्लस के 64 में से माइनस के 2 होगा तो क्या आएगा 62। तो ये आपका होल प्रोसेस था, पूरा प्रक्रिया कैसे थी, क्वेश्चन का आंसर कैसे आने का। लेकिन मैंने आपको ओरली भी क्वेश्चन बता दिया था, लेकिन उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी हुई है 3x और अपॉन में भी 3x होना चाहिए, तभी वैल्यू आपका इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करना, जो भी आपके इस गल्टू में वैल्यू लिखी है उसमें से 2 माइनस कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता, सॉरी प्लस की जगह यहाँ माइनस होता तो फिर आप 64 में 2 ऐड करते तो 66 हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन भी मैंने लेने की कोशिश करी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो चलिए, और हाँ एक और बात, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के प्रीवियसर एग्जामिनेशन में किसी ना किसी एग्जाम के फॉर्मेट में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपी हो या एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो या फिर स्टेन हो, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं अलजेब्रा के फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्रीवियसर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि √x + 1 / √x = √13 है, तो देखिए फिर से देखिए यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहां पे 13 है, अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर करें, अगर हम किसी भी अंडर रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आती है, यानी कि अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूं तो 2 आएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करूं, यानी कि स्क्वायर का मतलब है एक ही नंबर की दो बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि रूट 2 की रूट 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, रूट 8 की मल्टीप्लाई रूट 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, उसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 11 आ जाएगा। तो ये तो था आपका डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन, मैंने आपको करके बता दिया, लेकिन कैसे
फिर से देखेंगे कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए अगर यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स है तो यानी कि सेम वैल्यू दी है, सेम वेरिएबल दी है और सेम फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अपोजिट वैल्यू है उसका स्क्वायर करें, उसमें से टू माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज सो सिंपल है, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया क्या होती है एग्जाम में, आप कैसे करेंगे अगर आपको ऐसे हिट नहीं कर रहा है वैल्यू चेंज कर दी, फिर क्या करेंगे आप? तो देखिए उसका एक तरीका है, फिर से हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल तरीके से पहले भी हमने ऐसे किया था, रूट थर्टीन का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं खोलता हूँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स आएगा प्लस टू ए बी होता है फॉर्मूले में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रूट एक्स और वन अपॉन रूट एक्स लिख लेंगे, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ पे थर्टीन आ जाएगा, ठीक है। थर्टीन क्यों आएगा, क्योंकि ये अनरूट के अंदर की वैल्यू है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो अनरूट आपका हट जाता है, ठीक है। चलिए फिर अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आएगा और प्लस का टू आएगा, टू माइनस होगा थर्टीन में से तो आपका इलेवन आएगा, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी इलेवन आएगी, जो कि मैंने आपको ओरली भी बता दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा जा रहा होगा, पसंद आ रहा होगा आपको, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। थ्री में क्या रहा है, यदि सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स इक्वल टू आपका क्या है सेवन है, तो आपसे पहले पूछिए है क्या, सॉरी यहाँ पे 36 है, यहाँ पे ये आपका 36 है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। ठीक है तो आपसे वैल्यू पूछिए 36 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। तो वैल्यू चेंज होने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 करेंगे और मल्टीप्लाई में 6 लिखेंगे और 1 अपॉन 4 लिखेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी 46 आएगी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। कैसे, जो अपोजिट वैल्यू है उसका स्क्वायर करा माइनस टू और टू के मल्टीप्लाई में ये जो एक्स के कोफिशियंट है यानी कि 6 और 1/4 मैंने ये ले दिया, सॉल्व कर दिया, 46 आ गया, ठीक है। ये तो था आपका ओरली या फिर डायरेक्ट है या शॉर्ट ट्रिक है या हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे आपको समझना है वैसे। लेकिन अगर हम पूरे प्रोसेस के साथ करेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए करते हैं। अगर मैं 6x लिखूं और प्लस 1 अपॉन 4x लिखूं और उसका होल स्क्वायर करूं, ठीक है, इस तरीके से, और 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो a plus b के होल स्क्वायर से, यानी कि 6x को मैं a मान लेता हूं, 1/4x को मैं b मान लेता हूं, a plus b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 a यानी कि 6x और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4x, ठीक है, और यहां पे 49 आ जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर, ठीक है। x से x कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 36x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा आपका 46 आएगा, तो देखिए आंसर सेम है, ठीक है। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पर निर्भर ना रहे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को भी समझें, क्योंकि एग्जाम में आपको वैल्यू चेंज कर देगा, कोफिशिएंट चेंज कर देगा, इक्वल टू में माइनस सॉरी प्लस में वैल्यू करके माइनस में दे सकता है, अनरूट में दे सकता है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को मैनिपुलेट करता है, उस मैनिपुलेशन को आपको समझना है कि हम उसे कैसे समझेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, यदि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उनमें प्लस और माइनस दोनों ही फॉर्मेट के क्वेश्चन होते थे, अब तक आपके प्लस के थे, अब माइनस का आ गया, ठीक है, ये भी माइनस था, ये फिर से प्लस का, तो मैंने दोनों ही फॉर्मेट के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अलजेब्रा में जो फॉर्मूले होते हैं वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी होता है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का भी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैं इसमें देखिए इसकी भी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताना चाहूंगा, ट्रिक मैंने आपको बता दी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा माध्यम सॉरी मेरा मकसद यही है कि मैं आपको जो भी अलजेब्रा की या एडवांस मैथ के क्वेश्चंस लेकर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक से क्वेश्चन कराऊं, हर एक फॉर्मूला हर एक कॉन्सेप्ट कहां से आया किस तरीके से आया वो समझाना मेरा पर्पस है। चलिए फिर अब देखिए अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूं तो देखिए यहां पे क्या आएगा इक्वल टू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो देखिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे और यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि a माइनस b के होल स्क्वायर को जब बोलते हैं तो इस पर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा तो माइनस x स्क्वायर
पावर होती है और उसको भी पावर होती है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 टू द 4 यहां पे भी 2 टू द 4 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये 16 है, ये माइनस 2 है, माइनस 2 जब उधर जाएगा तो 16 प्लस 2 तो आपका 18 हो जाएगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आई होप अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में भी वही कांसेप्ट है, बस अब प्लस दे दिया और माइनस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्लस वाला देखेंगे। देखिए आपको करना कैसा, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता कैसे चलेगा कि इसका स्क्वायर करना है या प्लस करना है, माइनस करना है, या इसमें इस तरीके से जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला कैसे यूज करेंगे। देखिए यहां पे यदि x की पावर 5 है प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 11, और आपसे पूछा x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10। अब आप एक बात बताइए, x की पावर 5 है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 टू जा 10 आ जाएगा। तो यही तो आपको सोचना है, यही क्वेश्चन में अलजेब्रा के में अप्रोच होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि स्क्वायर करने पे x की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो दो पावर हो जाएंगी, एक 5 और एक 2, तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए x की पावर 5 का स्क्वायर हो गया यहां पे, और 1 अपॉन x की पावर 5 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या आएगा 2, और x की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की पावर 5 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, ये x की पावर 5 से x की पावर 5 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये भी 5 दूनी 10, तो x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 और प्लस 2 है यहां पे, अब 121 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा 119 आएगा। तो ये आपकी वैल्यू निकल गया, x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 की वैल्यू आ गई 119। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको मिल चुका है 111। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x - 1 / 4x = 3 है तो 4x² + 1 / 4x² इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से सोच समझ के करना होगा। देखिए यहां पे 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर है। ठीक है, अब 4x स्क्वायर आता कब है, जब हमारे पास 2x होता है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर बनता है, लेकिन हमारे पास यहां तो x - 1 अपॉन 4x है तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं इधर x - 1 अपॉन 4x की। ठीक है, और इसका 2 3 होता है, अब 3 में इधर से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम काट भी सकते हैं इसको, डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 2 क्या अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 1 जा 2 लेकिन अपॉन में तो 4 है तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 तो 1 अपॉन 2x आ जाएगा, इसका 2 6 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर चाहिए, तो 4x स्क्वायर कब आता है 2x का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो देखिए अब मेरे पास क्या होगा, दोनों जगह 2x स्क्वायर, सॉरी 2x 2x बन गया। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x और 6 6 36 2x से 2x कट जाएगा, 4x स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2 है तो 36 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 38। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 3x + 1 सॉरी 3x + 3 अपॉन x = 12 दे रखा है, तो आपसे वैल्यू पूछिए 5x स्क्वायर + 5 अपॉन x स्क्वायर + 1 इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए आपको पहले x + 1 अपॉन x बनाना है फंक्शन, तो देखिए अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा आपका x प्लस 1 अपॉन x और इसको 2 में क्या आएगा आपका 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो यहां से x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई x 1 अपॉन x और यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, ये आपका x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका यहां पे x स्क्वायर और ये प्लस का 2 है और 16 में से माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 14, लेकिन हमें 5x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर तो दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं और यहां भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका क्या 14 5 17, लेकिन अभी भी यहां पे तो प्लस 1 है तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं बैलेंस करने के लिए प्लस 1, तो इस तरीके से 70 प्लस 1 71 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका 71। 8 की तरफ चलते हैं, 8 में क्या कह रहा है, अब देखिए अभी तक स्क्वायर करके आपसे वैल्यू पूछा था यानी कि x + 1 / x की वैल्यू दे रखी थी और उससे आपको x² या फिर x की पावर 4 + 1 /
x की पावर 4 इस तरीके से वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन अब आपको उल्टा करना है। देखिए यहां पे जो दी रखी है वैल्यू, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 है इज इक्वल टू 79 है, तो x माइनस 1 अपॉन x पूछा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहां पे मैं x की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 2 और उसकी पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूंगा 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर और यहां पे प्लस 2 कर लेता हूं, और इस इक्वल टू में 79 है आपका, यहां पे भी मैं प्लस 2 कर लेता हूं। ठीक है, ऐसा क्यों करा था? देखिए अगर मैं इसके 2 के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x स्क्वायर लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पे यही तो फंक्शन है। अब देखिए गौर से आप इस लाइन को देखिए, यहां पे x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मेट बन रहा, और इस इक्वल टू में 79 और 2 81 हो जाएगा, यानी कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बन के आ गया, और इधर 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, अब देखिए इस इक्वल टू में 9 है। अगर मैं इसमें फिर से 2 माइनस कर देता हूं, क्यों कर देता हूं, तो देखिए क्योंकि मुझे x माइनस 1 अपॉन x चाहिए, तो देखिए अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 2 इस इक्वल टू में 9 है आपका माइनस 2, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई में x 1 अपॉन x लिख लेता हूं, क्योंकि x फिर से कट जाएगा और 2 बैलेंस करने के लिए भी आता मैं, तो यहां से ये जो फंक्शन बन रहा है ये x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर का फंक्शन बन रहा है, इस इक्वल टू में क्या 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो देखिए x माइनस 1 अपॉन x इसका जो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट, यानी कि 7 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी अंडर रूट में, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू जो आएगी आपकी अंडर रूट 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ये है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन अलजेब्रा में एडवांस मेथड दोनों ही तरीके से पूछ सकता है, पहले आपको कोई वैल्यू देगा उसका स्क्वायर कराएगा, फिर उसका स्क्वायर कराएगा, तो पावर 4 भी पूछ सकता है, पावर 5 भी पूछ सकता है, 5 की जगह 10 भी पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता, पहले ही आपको पावर 4 दे दी है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 79 है, तो आपसे पावर 1 की वैल्यू पूछ ली है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है जानना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पावर 1 दे रखी है आपसे पावर 4 पूछ ली है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर से खुलेगी, तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x अपॉन y और मल्टीप्लाई y अपॉन x और अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू बन जाती है, यानी कि रूट 3 का अगर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई, यानी कि तो क्या आएगा आपका वही वैल्यू बन जाएगी 3 आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, दो बार किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर यदि उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो देखिए यहां से आपका 11 बचेगा, ये x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो ये आपका x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एक बार फिर से स्क्वायर करते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे एक बार फिर तो क्या है पावर पहले से 2 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 टू 4, तो देखिए वही तो चाहिए हमें पावर क्या 4 है पा रही है, तो देखिए यहां करेंगे क्या आएगा x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और x की पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे प्लस 2 और ये आपका x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, तो इसकी आपको वैल्यू चाहिए, लेकिन प्लस में 2 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा 169 में से, तो क्या आएगा 167 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 167 यानी कि 167। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा था, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगा अभी आपके लिए इसी अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे जो भी मैंने आपको कराए दो वीडियो में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या देगा 47, आपसे क्यूब पूछ लिया, तो देखिए मैंने आपको क्यूब का अलग कांसेप्ट बताया था कि ये आपको x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब निकालने के लिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए, वो तो है ही नहीं आपके पास, तो पहले आपको वो फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 है, यहां पे माइनस वाली निकालनी है, हम प्लस वाली निकालेंगे कैसे, देखिए ये आपका x की पावर 4 मैं इसे x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लिख सकता हूं और अपॉन में x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर प्लस दोनों तरफ में करता हूं 47 में 2 जोड़ देता हूं और इधर भी मैंने 2 जोड़ दिया। अब इस 2 के मल्टीप्लाई में मैं ऐसे x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब जो ये स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये आपका कांसेप्ट बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेट का, तो देखिए यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और 47 और 2 49 जो कि आपका 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका हट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
अब मैं फिर से दो जोड़ लेता हूं इधर, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस टू, और टू के मल्टीप्लाई में एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू नाइन है ये, तो नाइन क्या होगा थ्री का स्क्वायर होता है इस तरीके से, तो ये आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया और इधर थ्री का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी थ्री आ गई, ठीक है, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब निकालने के लिए क्या होगा, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब निकालने के लिए a की क्यूब माइनस 3a होता है, ठीक है, और a की वैल्यू कौन सी होती है जो x प्लस 1 अपॉन x में इक्वल टू में दे रखी है, तो यहां पे क्या दे रखा है 3 दे रखा है, जो कि मैंने यहां से आपका सॉल्व होके आया था इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए यहां पे a के पहले इस पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3a, तो a के पहले इस पे 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 3 3 = 9, तो यानी कि 27 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा आपका 18 आएगा, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब जो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी थी वो आपका 18 आया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 18। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।